एमसीडी चोर है। ये केंद्रीय मंत्री का बयान आया है, विजय गोयल का बड़ा बयान आया है। कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हारून यूसुफ है हमारे साथ। हारून जी, किस तरह से बयान को देखते हैं आप? देखिए, जो उन्होंने कहा है कि एमसीडी चोर है, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जब स्वयं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं, खाली चोर कह देने से एमसीडी को उसका समाधान नहीं होता। कौन चला रहा है एमसीडी को? बीजेपी के मेयर हैं, बीजेपी की स्टैंडिंग कमेटी है, वार्ड कमेटीज में ज़्यादातर वार्ड कमेटीज के अंदर बीजेपी है। अगर एक्शन लेना है और चोर खाली कह के नहीं भागना है, ताकि हमारे ऊपर कोई उंगली न उठे कि हम भी चोर कह रहे हैं, सब चोर चोर कह के भाग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उनको, अगर चोर है एमसीडी तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया आज तक? दिल्ली के अंदर जो हाल हो गया है, लोगों को जिस तरह लूटा जा रहा है, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर गंदगी का बुरा हाल है, हर गली के अंदर जो है कोई सफाई कर्मचारी जो है वो वहाँ काम नहीं कर रहा, क्योंकि उनको ना तनख्वाहें मिलती है ना उनकी अपनी परेशानियाँ हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इतनी सच्चाई उन्होंने एडमिट की है, तो इसका करेक्टिव कोर्स भी बताएं कि इसको ठीक कैसे करेंगे। वो ये इनकी जिम्मेदारी है। नए चेहरे नई ऊर्जा ये बयान दिया था, लगता है कि पुराने सांसद का विरोध लोगों के अंदर है, इस कारण सीट चेंज करते हैं तो ये विरोध का खामियाजा उन्हें ना भुगतना पड़े, इसलिए लोगों की जुबान बोलनी शुरू कर देते हैं अभी से। देखिए, सारी बीजेपी का यही हाल है, हर आदमी जिस सीट से लड़ा उस सीट को छोड़ने के चक्कर में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान के लोग अब क्या सोचने लगे। कांग्रेस क्या सोच रही है सर, गठबंधन पर भी चुटकी ली जा रही है बीजेपी की तरफ से? देखिए, ये हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है, जो फैसला होगा लोगों के सामने आ जाएगा। और कांग्रेस अपने वर्कर्स का, अपने नेताओं का, पूर्व जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए ही फैसला कोई लेगी। तो ये हारून यूसुफ थे, कह रहे थे कि सिर्फ चोर कहने भर से काम नहीं चलेगा, करेक्टिव मेजर्स भी बीजेपी को लेने चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।